जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना डेली राशिफल लेकर। आजकल आपके ग्रहों की हालत क्या चल रही है उन सभी को लेकर, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय, आजकल आपका समय, तो इन सभी जिज्ञासाओं की विस्तृत जानकारी लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रारंभ करते हैं आज के ग्रह गोचर से। ग्रह गोचर, जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं आपकी जानकारी कि इस आसमान में जो ग्रहों की स्थितियां, कि कौन सा ग्रह इस समय कौन सी राशि में विचरण कर रहा है, मतलब घूम रहा है, उस स्थिति के मैप को ग्रह गोचर कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इस समय सूर्य भगवान, सूर्य देवता उच्च के होकर मेष राशि में विराजमान है। वहीं पर उनके मित्र बुध देवता भी मेष राशि में विराजमान है। शुक्र देवता अपनी खुद की राशि वृष राशि में विराजमान है और वहीं पर चंद्र देवता उच्च के होकर वृष राशि में ही विराजमान है। अद्भुत संयोग चल रहा है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 25 तारीख से कोरोना का इफेक्ट केवल बुध की वजह से कम होगा, क्योंकि बुध का नीच भंग हुआ है, किंतु आगे आने वाले समय में बहुत गंभीर घटनाक्रम घटने वाला है। उसकी व्याख्या मेरे शीघ्र ही मैं नया वीडियो ला रहा हूं, तो आप उसमें अवश्य देखें, बहुत रोचक जानकारी है आपके लिए। और जो मिथुन राशि में इस समय राहु देवता विचरण कर रहे हैं, केतु महाराज इस समय धनु राशि में विचरण कर रहे हैं, जबकि शनि देव अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में विचरण कर रहे हैं, उनके साथ ही उनके मित्र मंगल देवता उच्च के होकर मकर राशि में ही विराजमान है, जबकि बृहस्पति देवता नीच भाव में, यानी मकर राशि में ही विराजमान है। यानी बृहस्पति, शनि और मंगल जो है तीनों ही इस समय मकर राशि में विराजमान है। इसके साथ ही मैं आपको एक बात, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आप लोगों को फ्री में एस्ट्रोलॉजी के उपाय बताऊं, तो उसके लिए मैंने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल ऐप का डिटेल दिया हुआ है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से उस लिंक को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। जिन्होंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखी है वो अपडेट जरूर कर लेंगे, क्योंकि थोड़े से करेक्शन बार बार होते रहते हैं। तो उस ऐप के थ्रू स्वामी प्रिंस ऋषि, साधक और साधिका जो उनके असिस्टेंट है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली उपाय बता रहे हैं, तो उन उपायों से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उन उपायों को आप घर बैठे भी हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को ये जो फोटो कुछ देख रहे हैं आपको, ये आज के फोटो हैं जो हमने लोगों के बीच में ये मास्क का वितरण किया है, बिस्कुट के पैकेट्स का वितरण किया है, जो बाहर से जो मजदूर आए हुए हैं इनको दिल्ली सरकार खाना भी उपलब्ध करा रही है, तो उन मजदूरों के बीच में हमने, वैसे तो हम ये काम पिछले अष्टमी से लगातार करते चले आ रहे हैं, तो हमने, लेकिन ये मास्क का वितरण हमारे को करने के लिए और आज के सारे जो बिस्कुट के पैकेट आज के सप्लाई करने के लिए हमें पोलैंड में रहने वाली हमारी भारतीय मूल की एक यंग गर्ल है माधवी सिंह, ग्वालियर की रहने वाली, उन्होंने इस कार्य में हमें अपना सहयोग दिया है। हम आप सब लोगों की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077, 27 अप्रैल 2020 पंचमी तिथि है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सोमवार का दिन है। आसमान में अति गंड नामक योग बना हुआ है और मृग नामक नक्षत्र उदय हो रखा है। राहु काल सुबह 7:22 से सुबह 9:01 तक रहने वाला है। इस राहु काल के दौरान आप कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ ना करें। यहां जो हमारी जो जन्म कुंडली होती है वो इस समय स्थिति और काल पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। मैं आपसे कहूं, आपका बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग बना हुआ, लेकिन परिस्थितियां थी कि हम सब अपने घर में लॉकडाउन में रखे थे, वो योग पूरी तरीके से आपको फल देने में असमर्थ होगा। अगर आपको 1 करोड़ रुपए का फायदा होना है तो हो सकता है आपको 1,00,000 रुपए का ही फायदा हो, या 1,00,000 रुपए का फायदा होना है तो हो सकता है 10-5 हजार का फायदा हो, और 10-5 हजार का फायदा होना तो हो सकता है 1,000 रुपए का फायदा हो। तो ये व्यवस्था
इसी प्रकार से चलती है। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं, आप कई बार कहते ना हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, अरे भाई आपकी जन्म कुंडली के ग्रह जब सपोर्ट ही नहीं करेंगे, आसमान से चाहे आपके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, किंतु आप उसी समय वहां से हट जाते हैं। मतलब आपके ऊपर फूलों का मतलब या नोटों की वर्षा से तात्पर्य कर रहा हूं मैं, और आप उसी समय वहां से हटके कहीं और चले जाते हो, क्योंकि आपकी ग्रह तो खराब है, जन्म कुंडली में आपको मिलने वाले ही नहीं है, वो किसी और के हाथ आ जाए। तो सारी चीजें जो है वो समय काल परिस्थिति और आपकी जन्म कुंडली की ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। तो चलिए इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बिना किसी चीज़ के हमारा चैनल सब्सक्राइब करें गुरु रजनीश ऋषि जी, और बेल के आइकन को दबाकर नोटिफाई करें ताकि हमारे हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लाइक करने के बाद शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हमें भी कुछ जरूरत होती है, हमें आपके विचारों की जरूरत होती है, आपके कमेंट्स की जरूरत होती है, ताकि उसके अनुसार ही हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करें। क्योंकि आप देखते हैं हमारा जो हरेक वीडियो है वो स्पेसिफिक वीडियो है, तो प्रॉपर मेहनत किया हुआ वीडियो, मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वीडियो नहीं है, प्रॉपर स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करके ये वीडियो प्रॉपर एडिटिंग के बाद आप सभी तक भेजे जाते हैं। तो चलिए और अधिक समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं आपके राशिफल से। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आपका शुभ समय आपके भाई बहन, आपकी माता और आपका आत्मबल, आपका बाहुबल, सब चीजें आपको मदद कर रही हैं आगे बढ़ने में। इस समय का लाभ उठाकर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। परिवारजनों के साथ कुछ 19-20 हो सकता है, किंतु आप अपनी बुद्धि कौशल से, बुद्धि विवेक से उन चीजों को पार पा सकते हैं। माता का आशीर्वाद फुल टू फुल आपके साथ है। जो स्टूडेंट है उनसे कहना चाहेंगे, अगर आप पढ़ाई लिखाई पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो क्या आप जाके आगे जाके क्या करना चाहते हैं? कहीं सब्जी का ठेला लगाएंगे, मूंगफली बेचेंगे, या कहीं पकौड़े तलना चाहते हैं? अरे भाई पढ़ लो, ये पूरे कैरियर का सवाल है, आपके कैरियर को बनाने में बहुत सहायक होगा आगे चलकर, आपका घर परिवार इसी कैरियर के बलबूते पर ये दाल रोटी खाएगा। वैसे ही बहुत कंपटीशन का जमाना है। तो बात करें उन स्टूडेंटों की जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और मेहनत करने के बावजूद भी कम नंबर आते हैं, माता पिता कृपया ध्यान दें। तो ऐसे सभी स्टूडेंटों को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा, जो साल में एक बार करना है आपने, गारंटी लेते हैं कि आपके बच्चे के पिछले साल से ज्यादा नंबर आएंगे, उसका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। आपने केवल स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करना है, या फिर उन लोगों की बात करें, उन युवक युवतियों की जो सरकारी नौकरी के एग्जाम्स बार बार दे रहे हैं मगर सफलता कहीं आस पास अटकी हुई रह जाती है। तो ऐसे सभी युवक युवती या उनके माँ बाप कृपया ये तो देखें कि आपकी कुंडली में, जो आपकी जन्म कुंडली है, उसमें सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। अगर नहीं है तो दूसरी दिशा में आपको मजबूत करें, ताकि आप दूसरी दिशा में सरकारी नौकरी के अलावा किसी अन्य जॉब में आप मजबूती से खड़े हो सके। या अगर सरकारी नौकरी का योग कमजोर है तो उन योगों को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, ताकि आप सरकारी नौकरी के क्यू में जाके खड़े हो सके। तो उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। और बात करते हैं उन नालायक संतानों की जो अपने माँ बाप की बेइज्जती करती हैं, अपमान करती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं समझती हैं। तो ऐसे माँ बाप जो अपनी संतान की वजह से बहुत दुखी हैं, चाहे संतान की उम्र कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, या कितनी भी कम क्यों ना हो, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा, जो आपने साल में एक या दो बार करने हैं, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई टोटके नहीं, इन उपायों के द्वारा आप अपने घर परिवार में अपनी संतान से दोबारा से अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और अपने घर में सुख शांति और खुशखबरी ला सकते हैं। तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क करें, आप वीडियो कॉल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या स्वयं मिलकर
अपनी इस परेशानी का उपाय हमसे ले सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले उन लोगों की जो दुश्मनों से परेशान है, दुश्मनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको सावधान रहने की जरूरत है दुश्मनों से। और यहां मैं सतर्क कर रहा हूं आपको एक और चीज से कि गठिया की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम या छुआछूत की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। सावधान रहिए, अन्यथा भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। और जो गठिया की प्रॉब्लम है, अगर डॉक्टरों से इलाज करा चुके आराम नहीं आ रहा है, तो आप हमारी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अपने लिए उपाय करवाइए। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप अपॉइंटमेंट रखिए, वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल के, तो हम निश्चित रूप से घर बैठे ही आपको पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहते हो मदद करने का भरपूर प्रयास करेंगे। बात करते हैं जीवन साथी के साथ, तो आपका जीवन साथी इस समय बहुत रोमांटिक है आपके साथ। इस अच्छे समय का फायदा उठाकर अपने संबंधों को भरपूर रूप से मधुर बना लीजिए और जीवन साथी को खुश रखने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। आपकी आदत तो नहीं है जीवन साथी या किसी को खुश रख पाने की, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए, अपने अंदर चेंज लानी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने शत्रुओं को माफ नहीं करते हैं। अरे माफ करने की आदत डालिए भाई, अगर आप माफ नहीं करेंगे, और ये मतलब 20 साल बाद भी अगर बिच्छू की तरह अपने उस आदमी को अपना शत्रु समझकर डंक मार देंगे, तो इस दुनिया का क्या होगा? अगर सारे ही इस दुनिया में वृश्चिक राशि वाले हो जाएं, तो सब एक दूसरे को डंक मार के इस दुनिया को समाप्त कर देंगे। तो फॉरगिवनेस, एडॉप्ट फॉरगिवनेस। हाँ, हम भी तो बहुत सारे गलत कर्म करते हैं, हर इंसान गलत कर्म करता है, तो परमपिता परमात्मा हमें भी तो क्षमा करते हैं, हमें भी तो माफी मिलती है, हम भी तो हर बात जरा सा गलत काम करने के बाद माफी मांगने पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में, ये प्रभु गलती हो गई माफ कर दो। तो आपको भी लोगों को माफ करने की आदत डालनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी लोगों से बदले की भावना अपने अंदर दबा कर बैठे रहे, मौका आते ही बदला लेने। किंतु मैं यहाँ सावधान कर रहा हूँ उन लोगों को जिनको ऐसा नहीं लगता, तो आप माफ कीजिएगा, आप वृश्चिक राशि के नहीं है, आप गलत राशि देख रहे हैं। कहाँ से हो आप? हिमाचल प्रदेश। आप गुरु जी के पास आए, गुरु रजनी शिशि जी के पास और गुरु मानकमणि जी के पास, आपको कैसा लगा? हमें काफी अच्छा लगा, और मैं 4-5 महीने से जुड़ा हूँ, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा, मेरे सारे काम बन रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। आपको गुरु जी ने कितनी रेंज बनाई है? रेंज दिखाओ। चार रिंग है, मैं लगभग 7-8 स्टोन लिए हैं, एक गले का भी है और 4 अंगूठे। इसको पहन के क्या प्रभाव हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है और सब बढ़िया लग रहा है, और 100% पॉजिटिव हुआ है। और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुरु जी गुरुवा के बारे में? मैं जो भी कोई परेशान है अपनी समस्या से, तो एक बार गुरु जी से जरूर मिले, और मैं आशा करता हूँ कि उनका समाधान जरूर होगा। तो बात करते हैं ससुराल पसी कोई अशुभ सूचना तो प्राप्त हो ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं आपकी आसपास में जो आपका बुरा चाहते हैं, जो पूजा पाठ के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शायद वो लोग आपके परिवारजन में से ही कोई हो सकता है। कुछ लोग तो उनके खिलाफ पूजा पाठ यंत्र तंत्र के माध्यम से उनका सर्वनाश करना चाहते हैं। तो चाहे आपके शत्रु आपको पता है और या नहीं भी पता जो आपका नुकसान कर रहे हैं, मगर वो आपकी जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होता है, तो उन शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए, या उन हालातों से विपरीत परिस्थितियों को संभालने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक बार हमें अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं। हम भी तो देखें कौन व्यक्ति है, कहां पर वो व्यक्ति, कैसा व्यक्ति है जो आपके पास जादू टोने से या पूजा पाठ के माध्यम से या अन्य तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत छोटे से उपायों के द्वारा, जो आपने साल में 1 या 2 बार ही कर लेते हैं, उन उपायों के द्वारा आपके जीवन में सुख और शांति लाने का प्रयत्न करेंगे, आपके शत्रुओं को बांधने का काम करेंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि करने का भरपूर प्रयास करेंगे।
तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क करें, वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल के थ्रू या स्वयं आकर भी आप मिल सकते हैं और इस विषय में अपनी जन्म कुंडली दिखाकर या जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा दिखाकर घर बैठे भी आप हमसे मदद ले सकते हैं। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य का सितारा जो है वो जीवन साथी के साथ बैठकर आपके भाग्य में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है, यशो गान कर रहा है। तो ऐसे मौके का फायदा उठाकर आप जितना अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए। आपके लिए शुभ समय जीवन साथी के साथ लेकर चलिए, सब चीज को तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। किंतु कार्यस्थल के हालात आपके फेवर में नहीं है, कार्यस्थल पर ही आपको नुकसान पहुंचने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है शत्रुओं द्वारा, सावधान रहे। बात करते हैं आमदनी के हालात की, तो आमदनी के हालात भी आपके अनुकूल कतई नहीं है, वहां पर भी आपके शत्रु आपकी आमदनी को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सावधान रहें। वृश्चिक राशि वाले सभी व्यक्ति और अगर कोई हमारे लायक कोई सेवा है तो बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क कर, वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर हम निश्चित रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपको भरपूर मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं उन युवक युवतियों की जो प्रेम संबंधों में निराशा महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कोई उनका प्यार छीन रहा है, कोई उनको प्यार को रोकने के लिए कोई जादू टोना कर रहा है, या उनको लगता है उनका जो साथी है जिसे वो प्रेम करते हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है जिसकी वजह से रिश्ते बिल्कुल टूटने के कंगार पर पहुंच गए, या फिर उनको लगता है कि उनके बीच में उनके प्रेम संबंधों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो गई जिसकी वजह से उनके प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं। ऐसी सभी स्थितियों से पार पाने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक बार हमसे अवश्य संपर्क करें, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा जिसमें ना आपने बकरों की बलि देनी है, ना मुर्गे की बलि देनी है, ना उल्लू की बलि देनी है, ना ही आपने सियार सिंगी आदि की किसी और चीज की बलि देनी है या पूजा पाठ के ढोंग और प्रपंच में इन्होंने किसी के जाल में फंसना है। प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा आप अपने जीवन में अपने प्रेम संबंधों में पुनः खुशियां ला सकते हैं। तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर आप हमसे संपर्क स्थापित कीजिए, निश्चित ही आपकी मदद करेंगे। तो अंत में आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।